एयर इंडिया एक्सप्रेस की बेंगलुरु से कोची जा रही फ्लाइट के इंजन में शनिवार देर रात अचानक आग लग गई। इसके बाद फ्लाइट की बेंगलुरु एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। सभी 180 पैसेंजर्स और 6 क्रू मेंबर्स को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के प्रवक्ता ने कहा कि टेक ऑफ के तुरंत बाद ही आग लग गई थी। रात 11 बजे के आसपास लैंडिंग के बाद पैसेंजर्स को बाहर निकालने और दूसरी तरफ से आग बुझाने का काम साथ में किया गया। घटना के बाद एयर इंडिया एक्सप्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि अभी तक की जांच के मुताबिक आग फ्लाइट के राइट इंजन में लगी थी। लैंडिंग के वक्त ग्राउंड सर्विस ने भी लपटें देखी। आग लगने के कारण का अभी पता नहीं लग पाया है। एयरलाइंस ने कहा कि मामले की जांच के ऑर्डर दे दिए गए हैं और जांच के बाद ही पूरी जानकारी दी जाएगी। घटना को लेकर पैसेंजर्स को हुई दिक्कतों को लेकर हमें दुख है। हम उनके कोची रवाना करने के लिए दूसरे इंतजाम कर रहे हैं।